नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदर राव की पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंजर श्री कमलोचन कश्यप, पुलिस महा उप निरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज श्री विकास कठेरिया, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री राजकुमार बर्मन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार एवं दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वरात घर वापस आइए से प्रभावित होकर नक्सलियों की अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर मल्लांगेर एरिया कमेटी के प्रतिबंधित नक्सली संगठन में नीलावाया पंचायत मिलिशिया सदस्य गंगा मड़काम पिता हड़मा मड़कामी उम्र लगभग 38 वर्ष जाति माड़िया निवासी सुकमा नीलावाया थाना गादीरा जिला सुकमा एवं नीलावाया ये पंचायत सी एन एम सदस्य आयुतु मड़काम पिता चोगा मड़काम उम्र 20 वर्ष जाति माड़िया निवासी नीलवाया मल्लपारा थाना अरनपुर। जिला दंतेवाड़ा ने दिनांक 2/4/2024 को पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज श्री विकास कठेरिया, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, कमांडेंट श्री नीरज यादव 111 वाहिनी सीआरपीएफ, तृतीय कमान अधिकारी श्री विवेक सिंह 111 वाहिनी सीआरपीएफ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री राजकुमार बर्मन के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। जिले की नगर पंचायत परपोड़ी में आज पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चुनाव आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे अपने विशेष विमान से पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। नगर परपौड़ी के स्थानीय स्टेडियम में है आम सभा। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, जिले के आला अधिकारी व कर्मचारी कार्यक्रम स्थल की कर रहे निरीक्षण। कोरबा संसदीय क्षेत्र के मरवाही में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे समेत वरिष्ठ व दिग्गज विधायक व भाजपा नेता शामिल हुए। वहीं दर्जन भर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें प्रमुख नाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र उपाध्याय का था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के कांग्रेस प्रदेश की 11 की 11 सीटों को जीतने के दावे पर अरुण साव का पलटवार, कहा उनके दावे का टेस्ट अभी विधानसभा चुनाव में हो चुका है। 75 पार का दावा करने वाली पार्टी की मुखिया को उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे। वर्तमान में कांग्रेस की हालत डूबते जहाज की तरह हो गई है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नियत है। 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बस्तर आ रहे हैं, उनके आने से निश्चित ही प्रदेश में माहौल बनेगा और 11 की 11 सीट बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल के जमानत रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री यह सत्ता लुलुपता की फिल्म है। नैतिकता और ईमानदारी का दावा कर राजनीति में आने वाले लोग कितने ईमानदार हैं देखा जा सकता है। दिल्ली में 28 दलों की बैठक पर अरुण साव ने कहा कि यह पारिवारिक वाली पार्टी का मिलन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों के समर्थन में आए थे, जनता के लिए यह गठबंधन नहीं। कोरबा लोकसभा के 8 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना है उसकी शुरुआत मरवाही विधानसभा से हुई है और आज के सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, साथ ही ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सहित बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बताता है कि आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। आम लोग अन्य दलों को भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता का परिणाम है और निश्चित रूप से ये बताता है कि कोरबा लोकसभा भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे
और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जी आज से कोरबा लोकसभा के 8 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना है उसकी शुरुआत परवाही विधानसभा से हुई है और आज के सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, साथ ही ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सहित बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बताता है कि आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। आम लोग अन्य दलों को भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता का परिणाम है और निश्चित रूप से ये बताता है कि कोरबा लोकसभा भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। लोकसभा का चुनाव मोदी की गारंटी भी हो रहा, प्रत्याशी नगण्य हो गया है। देखिए देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल का उनका काम है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल का निशान लेकर चुनाव के मैदान में है। कोरबा में बहुत ही दमदार और राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेत्री सरोज पांडे जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से उनके सांसद बनने से मरवाही विधानसभा कोरबा लोकसभा की आवाज वो दमदारी से उठाएंगी और क्षेत्र का विकास होगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जीत का दावा किया है कि हम सभी सीटों में जीत रहे हैं। भूपेश बघेल जी की दावा का आप लोगों ने टेस्ट किया विधानसभा चुनाव में, 75 पार हम लोगों को आप लोग डराया करते थे, तो आज उनके दावे का क्या हुआ और आज भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने पर ही वहां के कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो जनता कहां से स्वीकार करेगी। और आज कांग्रेस की हालात डूबती हुई जहाज की तरह हो गई है, जो समझदार लोग हैं वो कूद कर उस जहाज से बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है, केवल झूठ और अफवाह फैलाकर राजनीति ये करते रहे हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस की झूठ को अच्छी तरह समझ गई है, अब इनका झूठ काम आने वाला नहीं है। अब की बार 400 पार छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी। 8 को मोदी जी आ रहे हैं बस्तर, क्या तैयारी? बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा संभावित है और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी को बड़ा लाभ होगा, मजबूती मिलेगी। केजरीवाल की जमानत कैंसिल हो गई, कह रहे हैं कि तिहाड़ से सरकार चलेगी दिल्ली। देखिए ये लोकतंत्र में सत्ता लोलुपता का इससे बड़ा उदाहरण, जो बड़ी नैतिकता और ईमानदारी की बात करके राजनीति में आए थे और आज जो उनके कारनामे हैं, उनके कितने मंत्री जेल में हैं, खुद जेल में हैं और अब जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये संविधान को कितना मानने वाले लोग हैं, कितना इनमें नैतिकता है, ये आज जनता के सामने उजागर हो गया है। पर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। 28 दलों ने कल हुंकार भरी दिल्ली में, कितना प्रभावशाली रहे? देखिए जब इंडी गठबंधन बना था तब हम लोगों ने कहा था ये परिवारवादी पार्टियों का मिलन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप में बंद जेल में निरुद्ध, उसके समर्थन में ये दल आए थे, भ्रष्टाचारी के समर्थन में आए थे, वास्तविकता ये है विपक्षी दल जनता के लिए लड़ाई लड़े तो ये जनता के लिए नहीं,
भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ने वाले एक गठबंधन के रूप में आज देश की जनता देख रही है और इनका खामियाजा इन्हें भोगना पड़ेगा। शरणदास महान को सपने में खजाना दिखा करता था। स्वर्गीय बिसाहू दास जी की जन्म जयंती के अवसर पर गृह ग्राम सारा गांव में नेता प्रतिपक्ष एवं उनके पुत्र चरणदास महंत ने समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन नमन किया। इसके पश्चात क्षत्रिय के बिसाहू दास सुद्धार ने भोलेनाथ की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर स्वर्गीय बिसाहू दास जी के आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। चरणदास महंत एवं योद्धा महंत ने भंडारे का वितरण किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने भोजन ग्रहण किया। बता दें कि चरणदास महंत ने कहा कि आज मैं जो भी हूँ अपने पिता के आशीर्वाद और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर बन पाया। माता पिता के चरणों में नमन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, इसलिए मैं अपने पिताजी को जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल सहित नगर के गणमान्य नागरिक, कांग्रेस कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शक्ति के चंद्रा भवन कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। लोकसभा संचालक और कोर कमेटी की विधानसभागार में बैठक लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अपने अपने बूथ विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने, चुनाव जीतने के लिए टिप्स देते हुए मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए किस प्रकार से तैयार करें, प्रत्येक मतदाताओं को बूथ में ले जाकर मतदान कराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं, मतदाताओं तक पहुंच कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हमारे जमीनी स्तर से लेकर बूथ लेवल विधानसभा पोलिंग सभी कार्यकर्ता सजग हैं। भूपेश ने छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा का अपने आका सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजकर छत्तीसगढ़ को पूरा लूटने का काम किया है। जो व्यक्ति चोरी करेगा और जांच में पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही तो होगी ही, आयकर एवं ईडी द्वारा किसी के कहने से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। स्वयं करोड़ों रुपए का लेन देन का घोटाला मिलने पर ही कार्यवाही हो रही है। हाँ, जब होलोग्राम की गड़बड़ी करें, शराब का घोटाला करें तो ठीक, पकड़े जाए तो गलत। जब वो कोयले का घोटाला करें और टन के पीछे 25 रुपया वसूली करें, प्रक्रिया को बदल दें, ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दें, वो सब प्रमाणित है, सामने है सबके, तो ठीक। कोई पकड़ ले तो गलत हो गया। महादेव सट्टा ऐप का पैसा खाएं तो ठीक, पकड़े जाए तो गलत हो गया। ऐसे थोड़े होता है भैया। ऐसे क्या पूरे भारतवर्ष में आप हिसाब लगा कर देख ले, क्या छत्तीसगढ़ में ही वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी? अन्य दूसरे राज्यों में नहीं थी? तमिलनाडु में किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? केरल में किसकी सरकार है? वहां तो किसी ने कुछ नहीं किया। भाई गलती करोगे तो पकड़े ना जाओगे। जांजगीर चांपा जिले के चांपा डिवीजन, अकलतरा डिवीजन व शक्ति डिवीजन में आने वाले 33/11 केवी सब स्टेशन ऑपरेटरों का 3 माह वेतन व 6 माह का बोनस नहीं मिलने से घर चलाने में हो रही बड़ी समस्या, कर्ज लेकर अपने परिवार चलाने को मजबूर व इन सब स्टेशनों का ठेका जेबी इंटरप्राइजेज पूरी को मिला है ठेका। बता दें कि सब होली में बिना पेमेंट को होली मनाया। इस दयनीय स्थिति में सभी ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस तरह ऑपरेटरों का आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा इनका कल तक का टाइम दिया गया है। जे भी इंटरप्राइजेज पूरे ठेका कंपनी से बात करके निदान निकलवाया जाएगा। हम लोग 33/11 के भी सब स्टेशन में ऑपरेटर है। इसमें जांजगीर जिला के 51 सब स्टेशन ऑपरेटर, 204 कर्मचारी होते हैं, उन लोग का 3 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है। और ये पिछले जो होली गया है उसमें बिना पेमेंट के होली मनाए हैं, और हम लोग की बिना पेमेंट में होली मनाना बहुत परेशानी जा रहा है, और सब लोग की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। इसमें 33/11 के भी सब स्टेशन ऑपरेटर का ठेका JBS इंटरप्राइजेस पूरे को मिला हुआ है। इसमें जब से JBS इंटरप्राइजेस को ठेका मिला हुआ है,
तब से पेमेंट का समस्या बनी रहती है। और इस माह तो इस बार तो ऐसा हुआ है कि लगातार 3 माह से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। या फिर घर परिवार तो जैसे भी करके चलाना होता है, जितने भी ऑपरेटर हैं कर्मचारी हैं वो दूसरे साहूकार से या फिर किसी और संगे साथी से कर्जा से ब्याज में पैसा लेकर अपन घर परिवार चलाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे जो अधिकारी हैं वो भी अपना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हम 10 दिन पहले हम लेटर भी लगाए थे डिवीज़न ऑफिस सकलतरा में, डिवीज़न ऑफिस चांपा में, और वहाँ उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। शिव कुमार निर्मल कर संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ से जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा से। सुनील कुमार कश्यप है, मैं जांजगीर चांपा जिले का ऑपरेटर हूँ, अकलतरा डिवीज़न तरौल सब स्टेशन। 3 माह से हमारा पेमेंट नहीं मिले है, जेकर से हमारे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्लस 6 माह के वेतन नहीं मिले है। हम डिवीज़न में अपन अर्जी लगा चुके हैं, चांपा डिवीज़न में भी डी साहब से लगा चुके हैं, उनकर तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आए। हमारी परिस्थिति इतना दयनीय है कि अपन परिवार चलाना मुश्किल हो जाते, जेकर से हम अपन दोस्त यार से कर्जा ले थन या बचे समय रोजी मजदूरी करत हन, लिपाई पोताई करत हन, जेकर से हमन अपन घर परिवार के कर्जल चला पात हन। बीते वाला भी होली गई से हमार घर बेरंग रही से, पूरा हर ऑपरेटर के घर पूरा बेरंग रही से, जगह इतना दयनीय स्थिति है। और हम अपने ऐसी साहब से आए हैं आज एक लेटर दिए और ओकर से आशा करत हन कि हमारे समस्या के निदान करही। और जो हमारे ठेकेदार है JBS कंपनी, वो जब से ठेका पाए तब से पेमेंट समस्या चलते ही जाते है। हम चाहते हैं कि ये JBS ले ब्लैक लिस्ट कर दो है सर मन, काबर जब ये जून आई थे ना 2 साल हो जाए, अभी तक के पेमेंट समस्या खत्म ही नहीं हुए है, ना होते ना वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते, नो नंबर से करें जाए सेव नंबर से फ़ोन भी नहीं उठाते, ना बिल भी नहीं लगाए हुआ। अभी स्थिति में हम का करें, अब आप मन के हम सपोर्ट चाहते हैं मीडिया वाला मन के कि जहाँ जतका हो सके कराओ हमार समस्या ला दूर करे कोशिश करा। और ठेकेदार उल्टा हमारा धमकी देते फलाना करे ढिकाना करे तो हमारा निकाल दिए जाइए, ये करी वो करी, शिकायत करोगे तो हड़ताल करोगे, तो ये प्रकार के नाना प्रकार के हमारा शोषण किए जाते हैं हमारे। सो ये अभी ये बात मेरे सामने अभी आई है, उससे पहले मेरे सामने ये बात नहीं आई थी, तो उनको मैं अभी कल तक का टाइम दिया हूँ और जो कंपनी है इसकी ठेका कंपनी उनसे बात करके इसका निदान निकलवाया जाएगा। मेरे सामने तो अभी मैंने अभी आपके सामने वो लोग बैठे थे उनसे मैंने भी कहा कि आप लोगों ने कभी मेरे सामने ऐसी कोई आज तक ये बात नहीं पहुँचाई, ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये बात आई है और इसका निदान जरूर निकला जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो भी कार्रवाई भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। कांकेर लोकसभा अंतर्गत बालोद जिले के 3 विधानसभा में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और लोकसभा प्रत्याशी वीरेश ठाकुर कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बालोद जिले के 3 विधानसभा में विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी ऐतिहासिक बढ़त बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान दीपक बैज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस चुनावी दौर में लोगों के बीच जिन मुद्दों को लेकर जाना है उस पर भी फोकस किया। इस दौरान जिले के 3 विधानसभा के विधायक जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। आज जिला स्तरीय बैठक बालोद में रखा गया था, जिसमें हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय वीरेश ठाकुर जी उपस्थित रहे और साथ में हमारे 3 MLS, हमारे कोऑर्डिनेटर संतराम नेताम जी, राजेश तिवारी जी, AICC सेक्रेटरी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बालोद जिले में बैठक रखा गया, जिसमें तमाम जिले स्तर के हमारे वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष रणनीतियां बनी और इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ताकि आने वाला 26 तारीख से पहले सभी हमारे कार्यकर्ता मतदाता तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से इस समय हम कांकेर लोकसभा सीट जीतेंगे। मंत्री आज आए हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि जगदलपुर में जैसा नगर सरकार का परिवर्तन हुआ है ऐसे कई संकेत कई जिलों में और मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का, प्रलोभन लालच देने का काम कर अपने पाले में काम करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का टारगेट अगर रखी है तो डर किस बात का, मैं पूछना चाहता हूँ, डर किस बात का? तो क्यों विपक्ष के नेताओं डराने और धमकाने का और लालच दे के लाने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में पूरी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में पूरी तरह से डरी हुई है। इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सांसद हम जिता के ले जाएंगे। शराब में 10% की वृद्धि हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ शराब की ही नहीं, आज मोदी सॉरी आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस है,
और भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। नंबर एक, 10% वृद्धि, मतलब सीधा सीधा ये है कि शराब में 150 रुपए का वृद्धि की है, मतलब सीधा छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर शराब में अवैध वसूली का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम करे। शराबबंदी के नाम से 150 रुपए बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, रजिस्ट्री शुल्क हमारी सरकार ने 30% कटौती की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के ही दिन उस कटौती को इन्होंने बंद कर दिया, मतलब 30% सीधा सीधा गरीब और मध्यम परिवार के ऊपर बोझ बनने जा रही है। तो इस तरह से आज के ही दिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के दिन छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है। विवेक शुक्ला, पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, शराब पिलाने वालों को साधन उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक में 4,650.81 लीटर अवैध कच्ची महुआ, देशी प्लेन अंग्रेजी शराब बरामद कर कुल 524 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 187 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया तथा 337 आरोपियों के विरुद्ध विधिवत आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा जिले के होटल, ढाबा, लॉन्ज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि की भी बारीकी से जांच की जा रही है एवं अवधि में लंबे समय से फरार गिरफ्तारी स्थायी वारंटी जिले के कुल 354 को गिरफ्तार कर वारंट तामिली कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नामांकन के बहाने कांग्रेस पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन जमा करने के अंतिम बचे 2 दिन में आज महासमुंद लोकसभा के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू आज महासमुंद कांग्रेस भवन में सभा कार्यकर्ता के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि आज स्थानीय कांग्रेस भवन में नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद सहित लोकसभा के चारों कांग्रेसी विधायक सहित जिला अध्यक्ष और मंडल के सभी कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस भवन से सभा कर कांग्रेस कार्यकर्ता और लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बाहरी प्रत्याशी की बात तो कोई कह नहीं सकता क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे चुनाव होता है। खुद भाजपा के लोग 10 जगह से अलग अलग जगहों भेजे हैं। हमारे दुर्ग से सरोज पांडे को कोरबा भेजे हैं तो वो बाहरी होगा, मैं तो कोई नहीं सकता बाहरी। तो ये इस प्रकार के जो दुष्प्रचार है वो कहीं काम आने वाला नहीं। सर, ईवीएम क्या नुकसान पहुंचा सकती? ईवीएम नुकसान तो पहुंचाता है, ये भी हम लोग मानकर चल रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से अभी तक के परिणाम पिछले चुनाव में आए, लेकिन हर जगह वो लोग करते हैं ऐसा नहीं लगता। कुछ ना कुछ जो जगहों पे, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे करते हैं, कुछ छोड़ते हैं। हो सकता है महासमुंद बच जाए। महासमुंद की जनता जीतने के बाद हम उनके बीच आएंगे, लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, जो समस्याएं बताएंगे, चाहे वो रेलवे की बात हो, सड़कों की बात हो, सिंचाई सुविधा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, उद्योग की, जो यहाँ के लिए आवश्यक है उन चीज़ों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। वैसे मूल रूप से प्राथमिकता हम लोग स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई को हर जगह रखते हैं, तो यहाँ पर भी उस प्रकार की प्राथमिकता हम लोग रखेंगे। सर, और क्या वजह है कि पार जा रहे? कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा कि वो जानबूझकर नहीं जा रहे हैं। एक तो लालच और दबाव, भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव की राजनीति, किसी की यहाँ नौकरी में है तो उसको ट्रांसफ़र करना, प्रेशर डालना, इस प्रकार के करके वो ज्वाइन करा रहे हैं। तो उसके ज्वाइन करने से एक व्यक्ति का जाएगा और जो जा रहा है वो भी अपना वोट बीजेपी को नहीं देगा, डर के कारण वहां रहेगा, लेकिन वोट वो कांग्रेस को ही देगा।
होशियारपुर पुलिस की ओर से कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने और लोगों को किसी भी तरह का भय मुक्त करने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पुलिस जिला प्रमुख सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पूरे जिले में अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें उनके साथ ही BSF के जवान और अधिकारी भी शामिल हैं। जी आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जड़ा हैगा ओ पुलिस वालों वक्त-वक्त के डोमिनेशन एक्सरसाइजेज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज की जा रही है, जिदे संबंध में आज जड़ा हैगा ओ होशियारपुर जिले च पूरे जिले च सब डिविजन लैवल से DSP की अगवाई है। इतने होशियारपुर सिटी से मेरे नाल SP हेडक्वार्टर DSP सिटी DSP NDPS ते बाकी सारे जड़े अपने CAPF के साथी आए हुए है BSF तो उन्होंने नाल साड़ी जी ARP टीम सही उन्होंने नाल थाने की फोर्स के नाल असी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये परपज़ हैगा एक तो लोगों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होंगी हैगी कि जड़ा हैगा फोर्स का डोमिनेंस हैगा तो माहौल पूरा शांतिपूर्ण हैगा लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल हैगा। तो दूजा जड़ा हैगा डिटरेंट इफेक्ट जो शरारती अंसर होंगे है जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन्होंने वास्ते सख्त मैसेज होंगे है कि भी जेकर कोई बंदा माहौल खराब करने की या शरारत करने की कोशिश करेगा तो कानून मुताबिक सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। ये नाल नाल ही जड़ा हैगा असी ताड़े राही लोगों को अपील करना चाहोंगे कि जड़ा लोकतंत्र का सब तो बड़ा महोत्सव होंदा हैगा लोकसभा चुनाव तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लैन तो एट द सेम टाइम कितने भी उन्होंने कुछ लगता हैगा कि जड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैगा उसके खिलाफ या उस तो परे जाके कोई भी एक्टिविटी नजायज़ गलत चल रही हैगी किसी वालों भी तो वह तुरंत साडा जड़ा हैगा हेल्पलाइन नंबर 112 से रिपोर्ट कर या जड़ा इलेक्शन कमीशन वालों एक सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है जिथे भी आम नागरिक रिपोर्ट कर सकता है इलेक्शन की जी कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन जी होंगी है वो बारे उ भी रिपोर्ट कर। जी अपने 24 घंटे के नाके जो है चालू चल रहे है उ जे 11 अपने इंटरस्टेट नाके है जेडे कांगड़ा तो ऊना नूरपुर जिले के नाल हिमाचल के लगते हैं तो उन्होंने 24 घंटे की फोर्स अपने वालों भी तैनात की गई है। तो अलावा जोड़ा है जो DSP सब डिविजन है वो अपने अपने सब डिविजन लैवल से जोड़ा है जिले च मार्च कर अपने वक् वक् नाके लगते हैं जी होशियारपुर से दिन के समय भी रात के समय भी जोड़े है नाके तो जोड़े अपने साथी BSF वाले CAPF वाले है वो जी अपनी FST टीम्स है तो उन्होंने भी तैनात किए गए हैं। तो नाका जरा जिदा अपना एक फगवाड़ा चौक से मेन नाका होंगे है उत्थे भी अपने टीम्स होंदिया है। उस तो अलावा रात में से सरप्राइज रात में तो दिन में सरप्राइज नाकाबंदी की जाती है कि स्टैटिक नहीं करते हैं। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र इंडियन बेसिक नॉलेज स्कूल धनोरा पंजीयन 23156 डायरेक्टर मानस कौशले प्रधान पाचक परदेशी कौशले वरिष्ठ शिक्षक चंद्रनाथ जांगड़े व समस्त शिक्षक व शिक्षिका द्वारा नवोदय विद्यालय में चयनित होने की खुशी में इंडियन बेसिक नॉलेज धनोरा के पूरे शिक्षक शिक्षिका द्वारा आदिति आगरे गगन कौशले विश्वजीत चतुर्वेदी तीनों बच्चों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और आगे तरक्की करने की शुभकामनाएं दी गई। नवागढ़ संवाददाता भाग चंद्र नवोदय विद्यालय में चयनित हुए 7 और 17 गगन कौशले एवं विश्वजीत चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए DD समाचार के साथ।